नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। प्रिय दोस्तों, मैं ओप यादव रियल टाइम उपेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सभी साथियों को बताना चाहूंगा भाई, हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के अंडर में क्यों ना हो, सभी कॉलेजेस की सेकेंड और थर्ड ईयर की फीस को लेकर हायर एजुकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी। तो एडमिशन का जो शेड्यूल है जारी हो चुका है। यदि अपडेट्स को जानना चाहते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। चैनल पर पहली बार पहुँच रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि भविष्य की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय अनुसार मिलती रहे। साथियों, आप पूछ के हो ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ हायर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, एडमिशन ओपन और सेकंड थर्ड ईयर की फीस का ऑप्शन यहाँ स्क्रीन पर शो हो रहा है। आपको क्या करना होगा, यदि आपको सेकंड और थर्ड ईयर की फीस जमा करानी है तो लिंक पर क्लिक करना होगा और सबसे पहले ऊपर जो आपको लिंक दिखाया जा रहा है, इस लिंक को नोट कर ले, अन्यथा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करोगे, ओपन करने के तुरंत बाद आप देखोगे कि आपके सामने एडमिशन ओपन 2021 अप्लाई नाउ और फीस पेमेंट का ऑप्शन सेकंड और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए खुलकर आ जाएगा। जैसे ही क्लिक करोगे, नीचे चलोगे तो कुछ डेट्स मेंशन हैं। इन डेट्स के अंदर बताया गया है कि भाई जितने भी एडिड कॉलेजेस हैं उनको 23 तारीख से लेकर 31 तारीख तक यूजी और पीजी बोथ कोर्सेज के ऑफलाइन चालान के माध्यम से फीस जमा करानी होगी कॉलेज के अंदर जाकर। उसके बाद नीचे सेकंड लिंक की बात करें तो प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस जो कॉलेजेस हैं उनके लिए भी समय दिया गया है 23 से 31 तारीख का, ऑफलाइन मोड पर ही फीस जमा होने वाली है, चालान जनरेट करना होगा। तीन नंबर की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की है, 26/10/2020 और 28/10/2020 तक फीस जमा होगी। यूजी और पीजी के बच्चों के लिए, सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उसके लिए लिंक 26 से 28 के बीच ओपन होगा, फीस जमा करने का मोड ऑनलाइन रहेगा। और इसी प्रकार यानी कि आप अपनी फीस को जमा करा पाओगे और जस्ट इसके नीचे चलोगे तो आप चार नंबर जो ऑप्शन शो हो रहा है वो भी गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों के लिए है, 29/10 से लेकर 31/10 तक फीस जमा होगी केवल थर्ड ईयर के बच्चों की और वो भी ऑनलाइन मोड पर जमा होगी। ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं, डेट्स हैं, इसको याद कर लें, बारीकी से अपने माइंड में रख लें या इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास रख लें ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो और इन डेट्स के अकॉर्डिंग आप आसानी से अपना काम कर पाओ। ये सब डेट्स नोट करने के बाद आपको क्या करना होगा, ऑफलाइन जो फीस चालान का ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करना होगा, जनरेट फीस चालान पर क्लिक करना होगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको अपना चूज करना होगा, कॉलेज का नाम आपको सेलेक्ट करना होगा, कॉलेज का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको कोर्स का नाम सेलेक्ट करना होगा और कोर्स का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको ईयर यानी कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कौन से ईयर की आपको फीस जमा करानी है उसको सेलेक्ट करना होगा। मैंने यहाँ अपना जिस भी ईयर की फीस जमा करानी है मैंने सेकंड ईयर को चूज किया। आप देखना जो भी आप ईयर सेलेक्ट करो वो सही होना चाहिए। उसके बाद आपके जो कॉलेजेस हैं बच्चों की जो लिस्ट है आपके सामने स्क्रीन पर होगी, इसमें अपना नाम सर्च करके और ज़रूर उस नाम पर क्लिक करोगे तो नीचे जाना होगा, फीस पेमेंट डिटेल्स जो शो हो रही है उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के तुरंत बाद आप देखोगे कि फीस की डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर शो हो गई है। यहाँ आपकी फीस मेंशन है, नाम पिताजी का नाम मेंशन है, सभी डिटेल्स, कॉलेज का नाम अच्छे से चेक कर ले, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को चेक कर ले, यदि कोई त्रुटि है तो कॉलेज से संपर्क करें, अन्यथा आपको नीचे जाना होगा। नीचे जाने के बाद आप फीस देखोगे तो फीस आपको यहाँ दिखाई गई 30,800 रुपये, ये प्राइवेट कॉलेज है इसलिए इसकी फीस ज़्यादा दिखाई जा रही है। उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि क्या आप इंस्टॉलमेंट में फीस जमा कराना चाहोगे या विदाउट इंस्टॉलमेंट, तो मैं इंस्टॉलमेंट में जमा कराना चाहूँगा। आपको इंस्टॉलमेंट में जमा कराने वाले बच्चों को यस क्लिक करना होगा, विदाउट इंस्टॉलमेंट में आपको सभी जो कंप्लीट फीस है वन टाइम में पे करनी होगी। इंस्टॉलमेंट पर क्लिक किया, अब देखो सेकेंड यानी कि दो इंस्टॉलमेंट का टाइम देता हूँ तो दो फीसों को शेड्यूल देता है, 60 और 40 के हिसाब से फीस को कैलकुलेट करके स्क्रीन पर आपका चालान जनरेट कर देगा। यदि आप दो के अंदर इसको कैलकुलेट नहीं करना चाहते, तीन इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हो तो स्टार्टिंग में 30%, फिर 30 और लास्ट में आपको 40, इस हिसाब से जो फीस है कैलकुलेट होकर स्क्रीन पर सामने होगी। जनरेट फीस चालान पर आपको उसके बाद क्लिक करना होगा। फीस का जो शेड्यूल दिखाया गया है इसी शेड्यूल के अनुसार आप अपनी फीस को जमा कर पाओगे। जनरेट चालान के ऑप्शन पर क्लिक किया, ओके करना होगा और कुछ समय का इंतज़ार करना होगा। इंतज़ार करते ही आप देखोगे कि फीस का चालान जनरेट होकर डाउनलोड होकर स्क्रीन पर आपके सामने है। इसके अंदर दी गई डिटेल्स को आसानी से पढ़ लें, देख लें, जान लें क्योंकि ये आपके लिए कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्पफुल होने वाली हैं। और आपको क्या करना होगा, इस फीस चालान को जब आप डाउनलोड कर लेते हो
डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, इस फीस चालान को लेकर अपने कॉलेज के अंदर जाना होगा, कॉलेज में आपको पहुंचना होगा और वहां जो भी चालान के अंदर फीस मेंशन है वो फीस आपको साथ लेके जानी होगी। फीस साथ लेके जाने के बाद आपको चालान भी लेके जाना होगा, फीस भी लेके जानी होगी। कॉलेज के काउंटर के ऊपर आपको ये सब सबमिट करवाना होगा और कॉलेज जैसे ही फीस जमा करेगा तो नीचे इसमें रिसिप्ट नंबर डालकर आपको मोहर मार के देता है या फिर अन्य कोई रिसिप्ट देता है कि आपने फीस जमा करवा दी। इस चीज़ का प्रूफ कॉलेज से ज़रूर लेके आए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी फीस को दे के और वापस आ जाते हैं, कोई भी उनसे रिसिप्ट नहीं लेके आते हैं। यदि ऐसा आप करते हो तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो साथियों, ये थी कुछ एक अपडेट्स जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के पास साथ शेयर करो। जो डेट्स दी गई हैं स्क्रीन पर, इसको ज़रूर नोट कर लें। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का ग्रुप भी शेयर कर रहा हूँ, ज़रूर दोनों ग्रुप्स के लिंक्स को ज्वाइन कर लें ताकि कुछ एक पीडीएफ फाइल्स या स्क्रीनशॉट्स जो होते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड या फिर कुछ डेटिस जो होती हैं पीडीएफ फाइल्स होती हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, वो सब आप लोगों को समय अनुसार मिल्स के और ग्रुप्स के माध्यम से आप कंटिन्यू अपडेट रहो। साथियों, फिलहाल के स्टूडियो में यही जानकारी शेयर करनी थी। भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। धन्यवाद।